हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है और आप सभी का एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एडोब आफ्टर इफेक्ट का वेडिंग सिनेमैटिक टाइटल, जो बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है। तो हम पहले उसका डेमो देखेंगे और बाद में उसको कैसे एडिट करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले उसका डेमो देखते हैं। दोस्तों, ये था टाइटल का, एडोबी आफ्टर इफेक्ट का टाइटल का डेमो। अब हम इसको कैसे एडिट करना है वो हम जानेंगे। पहले तो ये जो विनरार का जो फाइल है, इसकी प्रॉपर्टी है 100 MB का है। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसके लिए आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा विनरार को। ये हमारा फोल्डर आ गया। अब हमको एडोबी आफ्टर इफेक्ट ओपन करना है। इसके लिए एडोबी आफ्टर इफेक्ट 2019 या 2020 का होना चाहिए। यहाँ से हमने एडोबी आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लिया है। फाइल में जाएंगे, प्रोजेक्ट ओपन, या तो फिर कंट्रोल ओ से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ से ये हमारा टाइटल है। पहले क्या करना है, ये जो फॉन्ट है इसको इंस्टॉल कर देना है। इसको फॉन्ट को इंस्टॉल कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल, यस। हमारे फॉन्ट इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम टाइटल को ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने ये ओपन कर दिया। ये हमारा टाइटल ओपन हो गया है। अभी यहाँ पर मुझे ये टाइपिंग चेंज करना है, तो क्या करूँगा, तो जो सीक्वेंस वन है यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पर टाइटल वाला आ गया, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद में ये जो हमारा स्टूडियो का प्रेजेंटेशन है, जो स्टूडियो का नेम है, उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं एडिट बॉक्स पे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने कर दिया रॉयल रॉयल स्टूडियो, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया। मेन में जाऊँगा, ये हमारा स्टूडियो का नेम चेंज हो गया। इस तरह से हम किसी भी इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मेरे को ये इमेज चेंज करनी है, तो कैसे, तो प्लेस होल्डर पे जाऊँगा। यहाँ पर सब इमेज दी हुई है, जैसे कि ये इमेज यहाँ पर फुटेज 6 है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। अभी ये जो हमारा इमेज है इसको डिलीट करना है। फाइल में जाके इंपोर्ट फाइल, यहाँ पर किसी भी इमेज को वहाँ पर आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला इमेज लिया, इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर फाइल आ गई, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये हमारा फाइल आ गया है। अभी इस फ़ोटो को हम यहाँ से
क्लिक करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करेंगे, बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग करना है, उसको छोटा करना है अपने हिसाब से, जैसे कि मेरा परफेक्ट ये हो गया। अभी मैं मेन में जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो पहले पहला आप देख सकते हो हमारी इमेज है वो चेंज हो गई है। तो इस हिसाब से आप ये सब फ़ोटो को चेंज कर सकते हो और टाइपिंग को भी चेंज कर सकते हो। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो कंपोजिशन में जाएंगे, यहाँ पर ऐड टू रेंडर क्वेरी या फिर कंट्रोल एम कर सकते हो, इस पर क्लिक करना है। ये हमारा ओपन हो गया, यहाँ पर क्लिक करना है लूसलेस पे। यहाँ पर आप किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर AVI एक्सपोर्ट करूँगा। AVI करके यहाँ पर ऑडियो आउटपुट ऑटो रखना है, ये करने के बाद हमको ओके कर देना है। अभी आउटपुट टू में जाएंगे, ये हमने सेटिंग तो कर दिया लेकिन हमारी फाइल जो ये हमारा वीडियो है उसको सेव कहाँ पर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस जगह हमको एक्सपोर्ट करना हो वहाँ का लोकेशन हम दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया, ठीक है, ये मैंने टाइटल लिख दिया है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। तो ये हमारा फाइल का सेटिंग हो गया और ये हमारा लोकेशन का सेटिंग हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंडर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आप टाइटल को एडिट कर सकते हो, उसकी इमेज चेंज कर सकते हो और उसको इस तरह रेंडर भी कर सकते हो। अगर दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नया वीडियो आएगा तो उसकी लोकेशन आपको मिल जाए। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।